गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का आपका टॉपिक है साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी के बारे में आज अपन पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले जो पिछली क्लास थी आपकी, उसमें अपन ने पढ़ा था आपकी बीएससी थर्ड ईयर की जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसकी यूनिट फिफ्थ चल रही थी हमारी। उसमें जो यूनिट का नाम है आपका बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें हमने जो आपके असेंशियल एलिमेंट है या आवश्यक पोषक तत्व है, हमारी जो बॉडी में रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से तत्व है जो हमारे दैनिक जीवन में काम में आते हैं या हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, उनके बारे में अपन ने देख लिया था। साथ ही अपन ने जो सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, इसके अलावा कैल्शियम आयन्स हैं, उन आयनों का बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी देखा था हमने, ठीक है। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि जो साइटोक्रोम सी है वह क्या होता है। देखो, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछता है साइटोक्रोम सी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, वहां पे साइटोक्रोम सी के बारे में आपको स्ट्रक्चर बतानी है और दो तीन पॉइंट लिखने हैं कि साइटोक्रोम सी होता क्या है और आपका इसका यूजेज क्या है। तो देखिए, स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर जो आप मोर पाई जाती है वो पाई जाती है, सेंटर में आपका नाइट्रोजन एटम पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो देखो, इसके अंदर और पाई रिंग पाई जाती है जिसमें चार आपकी पाइरोल रिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है? चार पाइरोल रिंग देखिए, 1, 2, 3, 4, ये चार क्या है? पाइरोल रिंग है। सेंटर में आपका आयरन धातु उपस्थित होता है और चार आपके नाइट्रोजन एटम उपस्थित होते हैं, ठीक है। और सभी के जो बॉन्ड्स है वो आपके रेजोनेंस में होते हैं, देखिए सबके अंदर रेजोनेंस उपस्थित है। वन बॉन्ड छोड़ के आपको डबल बॉन्ड मेंशन करना है। ये तो इतनी साइड ऑफ इधर आपके प्रोटीन जुड़े हुए होते हैं, आपके सल्फर सल्फर ग्रुप उपस्थित होता है और आपके मिथाइल ग्रुप या ऑक्सीजन ग्रुप वगैरह से दो माइनस ग्रुप, ये आपके नीचे हाइड्रोकार्बन की चेन लगी हुई होती है। तो ये तो है आपके साइटोक्रोम सी की स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो साइटोक्रोम सी है उसका यूजेज क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए, जो साइटोक्रोम सी होता है यह एक प्रकार की हिम प्रोटीन ही है। क्या है? हिम प्रोटीन है। साइटोक्रोम सी क्या है? एक प्रकार की हिम प्रोटीन है जिसका मुख्य कार्य इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण, या अपन क्या कह सकते हैं, जैसे इसके अंदर जो आयरन धातु है, अपन क्या बोल सकते हैं इसके लिए, जो इसका मुख्य कार्य है कि जो क्या इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण करता है और इलेक्ट्रॉन्स के स्थानांतरण के दौरान जो शोषण की क्रिया होती है वह महत्वपूर्ण भूमिका, उसमें उसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो शोषण की क्रिया होती है उसमें साइटोक्रोम सी का बहुत ज़्यादा रोल है। तो अपन कह सकते हैं जो ऑक्सीजन कंटेनिंग आपके जीव है, जिनके अंदर ऑक्सीजन उपस्थित है, ऑक्सीजन का जो जीव ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, उन सभी जीवधारियों में साइटोक्रोम पाया जाता है। अब साइटोक्रोम भी कई प्रकार के होते हैं। देखिए, साइटोक्रोम जैसे साइटोक्रोम ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो अपन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर की बात करेंगे वो स्ट्रक्चर आपके साइटोक्रोम सी की, क्योंकि एग्जाम में साइटोक्रोम सी से ही क्वेश्चन बनता है। और जनरली साइटोक्रोम सी ही जो आपका ऑक्सीजन की जो क्रियाविधि है या ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म है उसमें बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। इसमें जो देखिए जो आयरन धातु है, आपकी आयरन धातु है, यह आयरन आयरन सेकेंड अवस्था में और आयरन थर्ड अवस्था में परिवर्तित होती रहती है। यानी आयरन सेकेंड जो आपकी आयरन धातु है वो सेकेंड से थर्ड में परिवर्तित होती रहती है, यानी प्लस टू से प्लस थ्री के अंदर परिवर्तित होती रहती है, यानी ऑक्सीकरण अवस्था में चेंज होता है इसमें। और ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन होगा, इसी दौरान ये क्या करेगी, ये आपके धातु जो इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण होगा, उन इलेक्ट्रॉन्स के स्थानांतरण के दौरान ही आपकी श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है, पूरी होती है। क्लियर है? समझ में आया? तो जनरली जो साइटोक्रोम सी है उसका उपयोग आपके श्वसन क्रिया में होता है, पता चल गया आपको। इसके अलावा और यदि अपन बात करें तो देखिए,
इसके अलावा अपन बात करें तो जनरली तो इसका जो यूजेज है वो ऑक्सीजन ऑक्सीसन सब्सन के लिए ही है। बाकी का जो और यदि वैद्युत अपघटन वगैरह की जो क्रियाएँ हैं इसके अलावा वैद्युत अपघटन से मतलब विभिन्न प्रकार की जो उपोपची क्रियाएँ हैं उनके सेवन के लिए हम उनको एक्टिव उन क्रियाओं को कंप्लीट करने के लिए भी आपका साइटोक्रोम सी है जनरली थोड़ा बहुत यूजेज होता होगा। लेकिन जो आपका मेन रोल है साइटोक्रोम सी का तो मुख्य रूप से ये एक प्रकार की हीम प्रोटीन है जो ऑक्सीसन के लिए उत्तरदायी होती है और अनेक प्रकार की प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रियाएँ हैं या प्रोटीन उपापचय की जो क्रियाएँ हैं उनको कंप्लीट करने में जो साइटोक्रोम सी है वो महत्वपूर्ण योगदान साइटोक्रोम सी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आपको जनरल समझ में आ गया होगा कि साइटोक्रोम सी हमारे हमारे शरीर के लिए किस प्रकार से आवश्यक होता है। क्लियर है, उतार लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया, क्लियर है, मिटाएं। तो जनरली जब भी आपसे इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछेगा कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए साइटोक्रोम सी पे, तो आपको स्ट्रक्चर बनानी है और इसके दो इम्पोर्टेंस बताने हैं जो मैंने आपको बताया क्या इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करता है यानी इलेक्ट्रॉन कैरियर है और ऑक्सीजन जो ऑक्सीसन करते हैं तो ऑक्सीसन में जो ऑक्सीजन का जो शोषण क्रिया होती है वो मुख्य रूप से साइटोक्रोम सी के द्वारा ही संपन्न होती है। वैसे तो भाई जो ऑक्सीजन को ले जाने लाने का जो कार्य है वो साइटोक्रोम सी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, देखो जो शोषण में ऐसी उनकी भूमिका होती है अपन जनरली ऐसे ये नहीं कह सकते कि जो फिक्स जो ऑक्सीजन ऑक्सीसन है मुख्य रूप से साइटोक्रोम पर ही डिपेंड है। बहुत चीज़ें हैं जो आपकी क्या होती है यूज आती है सब्सटेंस के अंदर। ठीक है, क्लियर है, आगे बात करते हैं। पूछा हुआ है क्वेश्चन नहीं क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है क्वेश्चन पूछा हुआ है क्षारीय एवं क्षारीय मृदा धातु का जैविक यानी बायोलॉजिकल जैविक महत्व बताइए। तो देखिए बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ एल्काइल एंड एल्काइल अर्थ मेटल। तो देखो मुख्य रूप से जो चार धातुएं हैं रूप से कितनी धातुएं हैं चार धातुएं हैं जो हमारे जीवन के लिए यानी जिनका जैविक इंपोर्टेंस है हमारी बॉडी के लिए वह चार धातुएं कौन कौन सी है देख लीजिए। जैसे बात करते हैं सोडियम पोटेशियम प्लस मैग्नीशियम प्लस टू कैल्शियम प्लस टू। तो देखो दोनों आ गई इसमें क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु दोनों टाइप्स की धातुएं आ गई है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मुख्य रूप से ज्यादा देखा जाए तो मुख्य रूप से चार धातु की ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने जो चार क्षारीय और क्षारीय मृदा धातु जो चार कौन सी सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम और कैल्शियम इनका ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी के अंदर। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अब क्या पूछा हुआ है कि धातु का जैविक महत्व तो बताइए यानी इंपोर्टेंस ही बताना है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जो सोडियम आयन्स है उनका क्या योगदान होता है और पोटेशियम आयन्स का क्या योगदान होता है। तो मैंने वहाँ पे आपको ये बताया था कि जो सोडियम आयन है सोडियम आयन हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की जो एंजाइमिक क्रियाएँ हैं एंजाइमिक क्रियाओं को संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा मैंने ये बहुत बताया था कि कोशिका द्रव्य में ये पाया जाता है और कोशिका द्रव्य में आयन कोशिका द्रव्य में विभिन्न तत्वों के स्थानांतरण में
सोडियम आयन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा मैंने ये भी बोला था कि जो सोडियम और पोटेशियम आयन है वह आपके दोनों मिलकर सोडियम पोटेशियम पंप का निर्माण करते हैं। तो सोडियम पोटेशियम पंप आपके विभिन्न जो आयनों का स्थानांतरण होता है या विभिन्न आयनों के ट्रांसफर बोल सकते हैं अपन इसको, उनमें जो यूजेज है वो सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो सोडियम और पोटेशियम धातु है विभिन्न प्रकार की जो आपकी मेटाबॉलिज्म है जैविक क्रियाएं हैं उनको संपन्न करवाते हैं। तो जनरल सारे जो यूजेज है मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिए थे, ठीक है। तो वहाँ से आप उनके यूजेज देख सकते हो सोडियम और पोटेशियम के, ठीक है। इसके अलावा अगर और बात करें अपन तो आपके जो सोडियम और पोटेशियम आयन है वो सेल कोशिका का आकार है, कोशिका का आकार बनाने में भी आप अपना क्या करते हैं योगदान देते हैं, ठीक है। तो ये जनरल जो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंस वगैरह है ये मैंने पिछली क्लास में आपके सोडियम और पोटेशियम के बता दिए थे। साथ ही अपन बात करें कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, तो वो भी मैंने आपको बता रखी है कि जो मैग्नीशियम धातु है ये मैग्नीशियम धातु विभिन्न प्रकार की जो प्रोटीन संश्लेषण में जो जितनी भी फेजेज हैं प्रोटीन संश्लेषण की जितनी भी फेज होती है उन सब में आपका मैग्नीशियम क्लस्टर आयन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ मैंने ये भी बताया था कि जो मैग्नीशियम क्लस्टर आयन है यह आयन विभिन्न प्रकार के जो वनस्पति शास्त्र के आपके पेड़ पौधे हैं उन पेड़ पौधों के अंदर मैग्नीशियम आयन जो मैग्नीशियम आयन है जो क्लोरोफिल होता है आपका पेड़ पौधों के अंदर जो प्रणहरित पाया जाता है उस प्रणहरित के अंदर जो मुख्य अवयव है उस मुख्य अवयव में मैग्नीशियम प्लस टू आयन पाए जाते हैं और मैग्नीशियम प्लस टू आयन की उपस्थिति के कारण आपकी जो प्रणहरित है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी करता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधों में श्वसन की क्रिया होती है साथ ही भोजन निर्माण की क्रिया होती है। तो कई क्रियाएँ हैं जो प्रणहरित कई प्रकार की जो मेटाबॉलिज्म क्रियाएँ हैं वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ही संपन्न होती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्य रूप से क्लोरोफिल पर डिपेंड है और क्लोरोफिल के अंदर जो मुख्य अवयव पाया जाता है वो आपका मैग्नीशियम प्लस टू पाया जाता है। तो मैग्नीशियम आयन पाए जाते हैं तो इनका इम्पोर्टेंस भी अपन ने पिछली क्लास में देखा था, तो वहाँ से आप देख सकते हो कि जो इनका इम्पोर्टेंस है वह क्या है, डिटेल से मैंने वहाँ पे बता रखा है। इसके अलावा जो कैल्शियम है तो कैल्शियम आयनों के बारे में भी मैंने बताया था कि विभिन्न प्रकार के शरीर का आपका अपना शरीर का जो ढांचा है जो बाह्य आवरण है वह कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ होता है। इसके अलावा जो आपके जितने भी समुद्री जीव जंतु है सीप घोंघा वगैरह उनका जो बाहरी ढांचा है बाहरी आवरण है वह कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना हुआ होता है। तो कैल्शियम आयन का मुख्य योगदान शरीर को आवरण प्रदान करने या शरीर का ढांचा बनाने में काम में आता है। इसके अलावा मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको कि जो आपका रक्त का थक्का बनता है तो रक्त का थक्का बनाने में भी जो कैल्शियम प्लस टू आयन है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी जो रक्त का थक्का बनने की जो प्रक्रिया है वह कैल्शियम प्लस टू आयन की उपस्थिति में संपन्न होती है, ठीक है। तो ये कई चीज़ें मैंने आपको इनके इम्पोर्टेंस में बताई थी। सारी बता जाता जो बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है वो आप पिछली क्लास से देख सकते हो कि वहाँ पर मैंने डिटेल से इन सभी धातुओं का इम्पोर्टेंस बता रखा है, ठीक है। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन अपन साइटोक्रोम सी देखा वो भी आपका क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था, सारे वर्णा धातुओं का उपयोग था, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। देखिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है आपसे, हीमोग्लोबिन जो रक्त में पाया जाता है आपको पता है हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है। इसके अलावा जो माइक्रोग्लोबिन है ये माइक्रोग्लोबिन भी ब्लड में पाया जाता है। तो पूछा हुआ है कि हीमोग्लोबिन व माइक्रोग्लोबिन में तुलना कीजिए, क्वेश्चन है आपका। हीमोग्लोबिन एंड माइक्रोग्लोबिन में तुलना
कितना कीजिए, हीमोग्लोबिन व माइक्रोग्लोबिन में कितना कीजिए। तो देखिए हमें हीमोग्लोबिन में मायोग्लोबिन में तुलना करनी है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, दोनों दोनों ही क्या है, एक प्रकार से दोनों ही क्या है अपनी हिम प्रोटीन है और दोनों ही ब्लड में पाई जाती है। दोनों ही क्या है, हिम प्रोटीन है और दोनों ही ब्लड में पाई जाती है। तो देखिए पहली बात तो क्लियर हो गई, दोनों ही क्या है आपकी हिम प्रोटीन है और दोनों ही रक्त में पाई जाती है। दूसरा क्या है, तुलना करनी है अपने को, दूसरा क्या है कि जो हीमोग्लोबिन है ये वाहिनिकाओं और वाहिनियों में पाया जाता है, वहां पे CO2 और O2 का परिवहन करता है। कहाँ पाया जाता है, वाहिकाओं में वाहिनियों में, जबकि जो आपकी माइक्रोग्लोबिन है ये उत्तकों में पाई जाती है, उत्तकों में ही वहां पे ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसफर करती है। क्लियर है, तो पहली चीज क्लियर हो गई, हीमोग्लोबिन को वाहिनियों में उपस्थित होता है जो शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का करता है स्थानांतरण करता है, जबकि माइक्रोग्लोबिन कोशिका के उत्तकों में विद्यमान रहता है और उत्तकों में क्या करेंगे O2 का और CO2 का स्थानांतरण करेगा। नेक्स्ट देख लीजिए कंपैरिजन, दूसरा क्या है कि जो माइक्रोग्लोबिन है, जो माइक्रोग्लोबिन है उसमें आपकी 100 कितनी माइक्रोग्लोबिन है, मीन में 150 से 160 एमिनो अम्ल की इकाइयां पाई जाती है, एमिनो एसिड इकाइयां पाई जाती है, एमिनो एसिड यूनिट 150 से 160 के समथिंग, एक मिनट देख लेते हैं कितना कंपैरिजन। हाँ सही है, 150 से आपका क्या होगा 160 तक जो एमिनो अम्ल की इकाइयां हैं वो पाई जाएगी। क्लियर है, जबकि जो हीमोग्लोबिन है ये तो किसमें पाई जाएगी, आपकी माइक्रोग्लोबिन, साथ ही में ये तो 150 से 160 तो आपकी हीम इकाइयां उपस्थित होती है, जबकि एक इसमें हीम समूह या एक सॉरी एक बार बताते जाऊं 150 से 160 आपकी एक यूनिट पाई जाएगी, साथ ही इसमें एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला उपस्थित होती है भाई, 150 से 160 में अमीनो एसिड इकाइयां पाई जाएगी, साथ ही इसमें एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला भी पाई जाती है जिसके अंदर एक हिम समूह उपस्थित होता है। ये तो हो गया माइक्रोग्लोबिन में, जबकि हीमोग्लोबिन में क्या होगा, कंपैरिजन बता रहा हूं क्या है, हीमोग्लोबिन में आपकी हीमोग्लोबिन के अंदर आपका पाई जाएगी आपकी 104 जो नाइट्रो आपकी 141 एमिनो एसिड यूनिट, कितना 141 एमिनो एसिड यूनिट पाई जाएगी। क्लियर है, साथ ही हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा इसके अंदर साथ ही इसके अंदर आपकी 4 इकाइयां है वो ग्लोबिन प्रोटीन की 4 इकाइयां पाई जाती है, साथ ही क्या होती है 4 यूनिट यूनिट ग्लोबिन इकाइयों की। तो देखिए यहाँ के जो 4 यूनिट है वह 4 यूनिट ग्लोबिन इकाइयों की नहीं 4 यूनिट है उसमें ग्लोबुल इकाइयों की मिलकर बच्ची इकाइयों की पाई जाती है। तो 4 यूनिट किसकी पाई जाएगी, ग्लोबुल इकाई की पाई जाएगी, साथ ही अपन क्या कह सकते हैं ग्लोबुल प्रोटीन को बताइए आप, मैं देख देता हूँ ग्लोबुल प्रोटीन
ग्लोबुलिन प्रोटीन की पाई जाती है। तो ये हो गई इनके अंदर सिमिलरिटी, क्लियर है। और बात करें 141 एमिनो एसिड हो गए आपके, सॉरी एक चीज और याद करना, ये जो 104 आगे देखना, जो 141 इकाइयां पाई जाती है ना, देखो जो 100 ये चार प्रोटीन इकाइयां होती है, ग्लोबुलिन प्रोटीन इकाइयां, इनमें से आपकी दो दो अल्फा इकाइयां होती है, दो अल्फा इकाइयों में 141 दो अल्फा इकाइयों में 141 एमिनो एसिड होते हैं। कितने होते हैं? दो अल्फा, दो अल्फा एमिनो होती है, अल्फा इकाई होती है। देखिए वापस से समझिए, वापस से क्लियर करवाता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मायोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन है, दोनों ही तो क्या है आपकी हीमोग्लोबिन है, और दोनों ही ब्लड में पाई जाती है। अपने को सिमिलरिटीज बतानी है, तुलना करनी है दोनों के अंदर। फिर मैं कह रहा हूँ कि जो मायोग्लोबिन है वह उस मायोग्लोबिन में 150 से 160 एमिनो इकाइयाँ उपस्थित होती है, और साथ ही एक जो पॉलीपेप्टाइड की है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाएगी, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाएगी, जिसके अंदर आपका क्या होगा, हिम समूह उपस्थित रहेगा। ये तो हो गई आपकी मायोग्लोबिन की बात। अब आगे बता दूं कि हीमोग्लोबिन में 141 एमिनो एसिड, तो यहाँ पे 141 प्लस 146 एमिनो एसिड की यूनिट पाई जाती है, वो मैं बता देता हूँ कैसे। 141 प्लस 146 एमिनो एसिड की इकाइयां पाई जाती है, ठीक है। अब इसमें जो देखिए क्या है कि इसमें जो चार यूनिटें हैं वह चार इकाइयां ग्लोबुलिन प्रोटीन की पाई जाती है, जिनमें से दो अल्फा इकाई अलग होती है और दो अल्फा इकाई अलग होती है। तो इनमें से दो अल्फा यूनिट है आपकी अल्फा, दो मैं लिख देता हूं, दो अल्फा यूनिट में 141 एमिनो एसिड पाए जाते हैं, जबकि शेष दो अल्फा यूनिट है, शेष दो अल्फा यूनिट में 146 एमिनो एसिड होते हैं, क्लियर। कितने होते हैं? 146 एमिनो एसिड। तो अपन क्या कह सकते हैं? अपन कह सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है उस हीमोग्लोबिन में टोटल आपकी जो इकाइयां पाई जाती है 141 प्लस 146 कितने हो जाएंगे, देख लीजिए 141 146 7 8 2 टोटल हो जाएंगे आपके 287। तो 2 2 8 7 287 एमिनो इकाइयां किसमें पाई जाएगी आपकी हीमोग्लोबिन में, क्लियर है। अब एक और कंपैरिजन बता देता हूं आपको कि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ज्यादातर जनरली काम करता है क्या, ऑक्सीजन और CO2 का स्थानांतरण का कार्य है जो हीमोग्लोबिन के, हीमोग्लोबिन द्वारा किया जाता है, और मायोग्लोबिन ऑक्सीजन और CO2 का भंडारण करता है, यानी ये भंडारण का कार्य भी करता है और मायोग्लोबिन, जबकि हीमोग्लोबिन जनरली कार्य क्या, हीमोग्लोबिन का CO2 और O2 के स्थानांतरण का ही कार्य है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में कंपेरिजन, समझ में आ गया होगा क्या क्या सिमिलरिटीज है, ठीक है। उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ एक और बता देता हूं, एक चीज और बता देता हूं कि जो आपका हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन के साथ
हीमोग्लोबिन है, यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। जबकि जो मायोग्लोबिन है, ये मायोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ प्रबल बॉन्डिंग करता है, यानी प्रबल बंध बनाकर जुड़ा हुआ रहता है। जबकि हीमोग्लोबिन क्या बनाता है? ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। और वो केवल बॉन्डिंग करता है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के द्वारा आपके मायोग्लोबिन आपका मायोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है। तो ये कुछ कंपेरिजन थे आपके हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के, समझ में आ गया होगा। क्या बनाएगा? ध्यान रखना, क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन किसके साथ? Hb+O2, यानी हीमोग्लोबिन O2 से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। दिख रहा है अभी नीचे देख लेता हूं मैं, आज दिख रहा है। और जबकि ऊपर वाला क्या करेगा? ऊपर जो आपका मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन केवल स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रखता है इससे O2 के साथ। तो कंपेरिजन क्लियर है, समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, आगे एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है, इसके साथ ही बता देता हूँ। पूछा हुआ है कि दो कार्य पूछा हुआ है कि हीमोग्लोबिन के दो कार्य बताइए। तो जनरली आपको अभी मैंने हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में तुलना बताई है, तो आप आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन पूछा हुआ है हीमोग्लोबिन के दो कार्य बताइए। ठीक है, तो देखिए अगर हीमोग्लोबिन के कार्य पूछता है तो आपको क्या बताना है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या होता है? जैसे आपका हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन किसके साथ संयुक्त हो रहा है? O2 के साथ। और क्या बना रहा है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त में क्या होता है? रक्त के साथ संचरित होता है, ब्लड के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दिया। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से जो श्वसन क्रिया होती है वो श्वसन क्रिया का कार्य करता है। यानी जो आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो शरीर में रक्त परिसंचरण होता है, उस रक्त परिसंचरण के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचता है। और इस प्रकार जो कोशिकाओं की जो श्वसन क्रिया होती है, उस श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी ये CO2 और O2 का परिसंचरण करता है। तो हीमोग्लोबिन आपके मुख्य रूप से श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी महत्वपूर्ण भागीदारी आपकी हीमोग्लोबिन की श्वसन क्रिया में ही होती है। क्लियर है? इसके अलावा अपन और क्या कह सकते हैं? इसके अलावा एक फंक्शन और है इसका, वो भी देख लीजिए। वो क्या है? हीमोग्लोबिन किसी अन्य एमिनो एसिड के साथ कोशिकाओं में अनेक प्रकार की जो उपापचयी क्रियाएं हैं, उन उपापचयी क्रियाओं के साथ जो CO2 बनती है, उस CO2 से संयुक्त होकर रक्त परिसंचरण के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचता है। तो यानी O2 को ले जाने का कार्य भी कर रहा है। तो विभिन्न प्रकार की जो मेटाबॉलिज्म क्रियाएं हैं, विभिन्न प्रकार की जो उपापचयी क्रियाएं हैं, वह मुख्य रूप से आपकी हीमोग्लोबिन पर ही डिपेंड करती है। क्योंकि हीमोग्लोबिन ही O2 को ले जाने का, CO2 को लाने का कार्य करता है, यानी O2 और CO2 के परिसंचरण का कार्य करता है। तो कुल मिला के जो उपापचयी क्रियाएं हैं वो भी किस पे डिपेंड है? हीमोग्लोबिन पे डिपेंड है। तो ये आपके फंक्शन समझ में आ गए होंगे, आपके दो कार्य हीमोग्लोबिन के एग्जाम में पूछे हुए हैं। क्लियर है? ठीक है, आगे देखिए, आगे बात करते हैं। इससे आगे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में कि जो क्लोरोफिल है, उस क्लोरोफिल यानी जो मैग्नीशियम आयन है,
मैग्नीशियम आयन का और क्लोरोफिल के बारे में इम्पोर्टेंट है, दैनिक जीवन आपके बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है कि मैं बता देता हूँ क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है क्लोरोफिल की संरचना बताइए, क्लोरोफिल की संरचना बताइए तथा क्लोरोफिल ए व क्लोरोफिल बी में अंतर बताइए। तो देखिए इस क्वेश्चन में अपन क्लोरोफिल की संरचना भी देखेंगे और क्लोरोफिल ए व बी में डिफरेंस भी देखेंगे, ठीक है। तो यानी क्लोरोफिल ए क्या होता है और क्लोरोफिल बी क्या होता है, तो क्लोरोफिल की जो संरचना है उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास अपनी होगी क्लोरोफिल की, ठीक है, क्लियर है। तो अभी तक का जो जितना भी अपन ने पढ़ा है वो सब आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में अपन क्लोरोफिल के बारे में बात करेंगे, ठीक है।